नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज के टॉपिक में औसत यानी कि एवरेज पर चर्चा करेंगे। इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन कराए जाएंगे। क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स दोनों हिसाब से आपको बताया जाएगा और क्वेश्चन की वैरायटी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे कि अगर आप ये पूरा वीडियो एक बार देखते हैं तो एवरेज यानी औसत टॉपिक का जो भी क्वेश्चन आए उसे आप सॉल्व कर पाओ। चलिए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया, पहले यहाँ शुरू कर लेते हैं, होता क्या है एवरेज। एवरेज जैसे मान लीजिए नंबर लिख दिए आपके 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 50 तक नंबर लिख दिए गए और इसका औसत पूछ दिया गया आपसे। क्या पूछा गया? औसत है या औसत क्या है? ठीक है, देखिए क्रम से नंबर लिखे हैं, क्रमागत पूर्णांकों का औसत बताना है 1 से 50 तक का। तो बड़ा आसान होता है जब क्रम से नंबर दिए हो, तो जो औसत निकालना है हमको औसत क्या हो जाएगा, पहला नंबर ले लें और आखिरी नंबर ले लें, प्लस कर लें और दो नंबर आप इसमें यूज कर रहे हो, ले रहे हो, अपान में 2 कर रहे हो, 1 और 50 को जोड़ के क्या होगा, 51/2। आपने 2 से भाग किया तो आ जाएगा 25.5, ये औसत हो गया। ठीक है ना, 1 से 50 तक का दिया है। अब पेपर में 1 से 10 आ जाए, 20 आ जाए, 100 आ जाए, आपको इसी कॉन्सेप्ट या इसी ट्रिक से आंसर निकालना है। अच्छा बताइए, अगर ये आपने सीख लिया और ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या पेन और कॉपी की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। आपको पहला और लास्ट नंबर को प्लस करके 2 से ही डिवाइड करना है। और कैसे हो सकते हैं, जैसे ऐसे दिया हो, ऐसे ऐसे करके 99 तक इनका एवरेज पूछा गया, औसत पूछा गया। तो आप क्या देख रहे हो, ये कई संख्या है, विषम संख्या है, क्रम से आने वाली विषम संख्या या क्रमागत विषम संख्या है, 1 से लेकर 99 तक की। तो इसमें भी आप यही मेथड अपना सकते हैं, 1 और 99, 1 plus 99/2 = 100/2 = 50। क्या हो गया? 50। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप 1 से 99 तक की संख्याएं लिखें तो जो नंबर बीच में आएगा वही औसत हो जाएगा और होगा क्या, 50। लेकिन वो लिखने में आपको बहुत समय बर्बाद होगा, तो ऐसे कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसके लिए जैसे आपको हम बता दें, क्लियर कर दें, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 अगर ऐसे क्वेश्चन लिखा मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, करेंगे तो वही 1 plus 19/2 = 10 आ जाएगा। लेकिन एक दूसरी चीज मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आप देख रहे हो, इसको काउंट करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आ गया ना, यानी कि विषम पूर्णांक दिए हों क्रम से 1 से लेकर स्टार्ट तक, तो जितने पूर्णांक होते हैं उतने ही उसका एवरेज हो जाता है। यानी जो एन आएगा, एन बराबर एवरेज, विषम क्रमागत संख्याओं के केस में ये लागू होता है। अगर आप सम दे दिए जाए, मान लीजिए जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे ऐसे करके, मान लीजिए आपके दे दिए गए 50। अच्छा, आप जानते हो कि 1 से 100 तक जैसे बात हो, तो टोटल हमारे नंबर होते हैं 100, उन 100 में 50 सम होते हैं और 50 विषम होते हैं। जैसे 1 से 99 तक की अगर बात की तो 50 विषम संख्याएं हो गई, और 2 से अगर 100 तक की बात करेंगे तो 50 सम संख्याएं हो जाएंगी। तो इसमें क्या रहता है, ये तो फार्मूला आप लगा ही सकते हो, 50 plus 2/2 कितना आ जाएगा, 26। क्यों आया? इसमें ये होता है, जैसे 2 से 50 तक
एक से पचास तक में जब बात हम करें तो 25 संख्याएं हमारी विषम होंगी और 25 सम होंगी। जितने टोटल नंबर दिए हैं उनमें आधे सम होते हैं आधे विषम होते हैं। अब 2 से 50 तक हमारी जो सम संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी, 25, और विषम कितनी होंगी, 25। तो अगर विषम दी है तो आंसर आपका 25 ही हो जाएगा, लेकिन अगर सम दिया है तो एन हमारा 25 है, आंसर जो होता है हमारा एवरेज जो होता है वो एन प्लस 1 के बराबर हो जाता है। अगर क्रमागत विषम संख्याएं दी गई हैं वह 2 से स्टार्ट करके, तो जितनी नंबर है जितनी संख्याएं हैं उसमें एक आप प्लस कर दीजिए, कुछ भी मत करिए और आंसर टिक कर दीजिए, तो ये आपका एवरेज हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं आगे। अब जैसे मान लीजिए ऐसे दे दिया गया क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रथम 7 क्रमागत संख्याओं का औसत एक्स है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। प्रथम 7 क्रमागत संख्याओं का औसत एक्स है, अगली 3 क्रमागत संख्याओं को, अगली 3 क्रमागत संख्याओं को मिला लेने पर या सम्मिलित कर लेने पर x का मान कितना बढ़ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन, ठीक, क्लियर। देखिए प्रथम 7 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, मतलब औसत दिया जाएगा, अगली 3 क्रमागत संख्याओं को मिला लेने पर x का मान कितना बढ़ जाएगा, मतलब हुआ कि औसत कितना बढ़ जाएगा। देखो क्रमागत पहली 7 संख्याएं हैं, अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनका औसत दिया गया है, हमारा कितना औसत दिया है, x दिया है। अब अगली 3 क्रमागत संख्याएं अगर मिला लें, कितनी अगली बढ़ानी है, 3, तो अगली 3 होंगी क्या, 8, 9 और 10, ठीक है, 8, 9, 10 हो गई। अब इनको अगर हम प्लस करेंगे ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इनको अगर हम प्लस करें 27 हो जाएगा, ठीक। ये 3 अगर आप प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 27, 8, 9, 17 और 10, 27। तो अब पूछा गया कि औसत कितना बढ़ जाएगा, यानी जो नया औसत होगा वो कितना बढ़ जाएगा। तो अगर ये ऐसी संख्याएं दी गई तो इनका औसत हमेशा बीच की संख्या होती है, कितना होता है, बीच की संख्या। एक कम से संख्या लिखी, चाहे अभी जैसे आप बताया गया था 1 और 7 जोड़ लें कितना हो जाएगा, 8, 8 को 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 4, औसत कितना आ गया आपका, 4। अब अगर ये हमने 3 संख्या बढ़ा ली 8, 9, 10, इसका योग कितना हो गया हमारा, 27, कितना हो गया, 27। अब ये अगर बढ़ जाएगा तो औसत भी बढ़ जाएगा, टोटल में अगर ये बढ़ जाएगा, इनको अगर हम टर्म से लिख लेते हैं आगे 8, 9, 10 ऐसे करके, तो अब हमारा बीच में क्या आएगा, अब हमारी बीच में संख्या, ये 2 संख्याएं बीच में आ जाएंगी, क्योंकि 4 इस तरफ हो गई और 4 इस तरफ हो गई, ये तो इसका जब 2 संख्याएं बीच में आ रही हैं तो औसत कितना हो गया,
पांच और छह का औसत अब हम पता करेंगे, तो पांच और छह 11/2 कितना औसत आ जाएगा नया 5.5। पहले कितना था 4 था, पहले का औसत कितना था 4 और नया औसत कितना हो गया 5.5, तो कितना बढ़ गया, तो 5.5 - 4.0=1.5। ये हमारा x का मान में इतनी बढ़ोतरी हो जाएगी, या हमारा औसत पहले औसत से 1.5 बढ़ जाएगा। क्लियर आओ, समझ में आ गया होगा, जो x दिया गया ना क्रमागत लिखाओ तो आप ऐसे इनको लिख सकते हो। इसमें औसत या तो वही नियम लगा लो, पहला आखिरी प्लस करके बटे कर लो, या जो बीच में नंबर आ जाए वो लिख लो। यहाँ पर 4 आ गया था और यहाँ पर अगर पहला आखिरी प्लस करके बटे 2 करेंगे तो 5.5 आ जाएगा, चाहे आप बीच की संख्याओं का औसत निकाल लो। फिर इन दोनों को पहले से हम इसको बटा देंगे तो जो भी आएगा वो हमारा बढ़ा हुआ औसत आ जाएगा। ये कितना हो गया 1.5। अब ये 7 दी हो, 5 दी हो, 9 दी हो, 12 दी हो, कितनी आगे बढ़ाई जा रही उस पर डिपेंड करता है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न आएगा ऐसे ही और इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। अब इसके बाद जैसे ऐसा बोल दिया जाएगा, जैसे 6 संख्याओं का औसत, पैटर्न समझ लीजिए क्वेश्चन का, बहुत आसान मेथड है आपका जो बताया जा रहा है, 6 संख्याओं का औसत। अब इसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत होगा, तो नया औसत होगा या क्या होगा कुछ भी पूछा जा सकता है। देखो 6 संख्याओं का औसत दिया, हमें संख्याएं नहीं पता है कि कौन कौन सी हैं, बहुत सारी संख्याओं ऐसी 6 संख्याएं होंगी जिनका औसत 12 आ जाएगा। आगे लिखा क्या है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत होगा। आपको सिर्फ ये करना है कि पहले का औसत हमारा क्या दिया था 12, और प्रत्येक संख्या में जोड़ा कितना जा रहा है 3, तो बस जो औसत दिया था उसमें 3 आप घटा दो तो क्या हो जाएगा 12 × 3 = 15, तो जो नया औसत होगा वो कितना हो जाएगा 15। या पूछा जाए कि प्रत्येक में 3 जोड़ दिया गया तो औसत कितना बढ़ जाएगा, तो जितना जोड़ा गया औसत उतना ही बढ़ाएगा अगर प्रत्येक संख्या में जोड़ा जा रहा है, और क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आता है। अगर बोला जाए प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो जो पहले का औसत 12 दिया था उसमें आप 3 घटा दोगे तो 9 हो जाएगा। अगर बोल दिया जाए कि प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा, तो 12 × 3 कर दीजिए। बोला जाए प्रत्येक संख्या में अगर 3 से भाग कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो 12 को 3 से आप भाग कर दीजिए, नया औसत आ जाए। कहने का मतलब यह है कितनी भी संख्याओं का औसत दिया है, 5, 6, 8, 10, 20 जितनी भी संख्याओं का औसत दिया है, कितनी संख्या है उससे मतलब नहीं। अगर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रत्येक संख्या में इतना जोड़ दिया जाए या इतना घटा दिया जाए या इतने से गुणा कर दिया जाए या इतने से भाग कर दिया जाए, तो बस आप वही काम करना है, औसत जो दिया होगा अगर वो प्रत्येक संख्या में जोड़ने की बात कर रहे हैं तो औसत में आप जोड़ दो, घटाने की बात कर रहा है तो औसत में आप घटा दो, गुणा करने की बात अगर कर रहा है तो आप उसी संख्या को गुणा कर दो औसत से, और भाग करने की बात कर रहा है तो उसी संख्या से जो औसत दिया है उसमें आप भाग कर दो। आपका आंसर डायरेक्ट निकल आएगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, और ये कुछ सेकेंड का काम है, ओरल करने वाला है, कभी इसमें क्या आपको लगता है कि पेन या कॉपी की जरूरत होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अब जैसे आते हैं क्वेश्चन पर,
ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, 8 के प्रथम 5 गुणजों का औसत है, ऐसे पूछ दिया आपने। ये गुणज का मतलब जानते हो, इसके मल्टीपल, गुणज को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल, यानी कि 8 के प्रथम 5 गुणज, मतलब 8 का पहला या 8 का टेबल आप 5 बार लिख लो, जितनी बार लिखा हो, यहाँ पर जो संख्या लिखी हो इस टाइप के क्वेश्चन में, तो इसका पहला जितने गुणज या मल्टीपल लिखो उतनी बार लिखना है। 8 × 16, 8 × 24, 8 × 32, 8 × 5 = 40। तो अभी बताया गया था जैसे सम संख्याएं हो या विषम संख्याएं हो या केवल क्रमागत संख्याएं हो, तो उनके अगर जो बीच में आ जाता है वही औसत हो जाता है। तो इसमें आप इसी हिसाब से देख लें बीच में क्या आ रहा है, 24, यही इसका आंसर हो गया। या जो अभी आपको पैटर्न बताया गया था कि पहला नंबर और आखिरी नंबर इनको जोड़ लें और बटे दो कर दें, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 48 और बटे दो करेंगे तो क्या हो जाएगा 24। बीच में आ रहा है तो बीच का लिख लें, अगर 6 लिखा होता, मान लीजिए एक नंबर और लिख लेते, तो इन दोनों के बीच में निकालते, या फिर ऐसे ही आप कर लेते कि पहला आखिरी जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। जब भी आपको किसी भी नंबर के प्रथम 5, 10, 15 गुणज दिए हो, उनका औसत निकालना हो, इस ट्रिक से बड़ी आसानी से कुछ ही सेकेंडों में आप उसका आंसर निकाल लोगे। अब और क्वेश्चन जैसे कैसे आते हैं, जैसे लिख दिया गया एक कोई क्लास है, उसमें बोल दिया गया सेक्शन ए के 25 छात्रों का औसत प्राप्तांक सत्तर तथा सेक्शन बी के 30 छात्रों का औसत प्राप्तांक 75 है, तो दोनों सेक्शन के या दोनों सेक्शन के कुल छात्रों का, या लिख देंगे कुल छात्रों का, ये सेक्शन ना लिखें, के कुल छात्रों का औसत होगा, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी भी हो सकता है। आपको क्वेश्चन का पैटर्न अगर क्लियर हो गया तो 1, 2, 3, 4 जितने भी सेक्शन को होगा सब उसी हिसाब से करना होता है। अब ये यहाँ पर प्राप्तांक दिया है, हो सकता है उनकी लंबाइयों का औसत दे दिया जाए, हो सकता है उनके भार यानी वेट का प्राप्तांक औसत दे दिया जाए, सब में आपको एक ही मेथड अप्लाई करनी है, एक ही कॉन्सेप्ट से आपको सॉल्व करना है। तो सेक्शन ए के जो छात्र हैं वो कितने हैं, 25, और औसत कितना है 70। तो ये हमेशा याद रखिए, औसत दिया है और छात्र दिए हैं, या आपको नंबर दिए हैं कि कितने लोगों का इतना औसत है, तो उनका हम सबसे पहले टोटल पता करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ए के छात्रों का जो टोटल प्राप्तांक है वो कितना होगा, तो हमें करना होगा 25 × 70, क्योंकि 25 छात्र हैं और औसत प्राप्तांक है 70। इसको हम गुणा जब कर लेंगे तो
तब आ जाएगा 25 सत्य 175 यानी 1750। सेम ऐसे ही जब बी का पता करेंगे तो बी में हमारे छात्र कितने हैं 30 और औसत कितना है इनका 75। तो टोटल पता करने के लिए इनका भी हम मल्टीप्लाई करना है, 75 + 225 यानी इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, कुल छात्र पता करने हैं। तो कुल छात्र कितने हो जाएंगे हमारे 55, और ये टोटल पता करना है जो प्रोडक्ट आया हमारा गुणनफल आया तो यह आ जाएगा 4000। इन दोनों को हमने ऐड कर लिया और छात्रों की संख्या को ऐड कर लिया। अब हम औसत पता कर रहे हैं, तो नया औसत जो होगा यानी जो योग आया, जो हमारा महायोग आया और ये जो कुल छात्र हैं हमारे, ये नया औसत जो होगा वो हमारा हो जाएगा 4000/55। 5 इसको काट दें, 800 आ जाएगा, ये आ जाएगा 11, 800/11। अब इसको अगर आप भाग करोगे तो 11 × 77 = 3, 11 × 22 = 8, 72 सही 8/11। तो दशमलव हो सकता है या जो पेपर में क्वेश्चन आएगा हो सकता है वो पूरा पूरा डिविजिबल हो। पूरा डिविजिबल है तो आप पूरा डिवाइड करने पे जो पूर्णांक आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर नहीं पूरा डिवाइड होता तो आप ऐसे लिख सकते हो या दशमलव में भी, आप ऑप्शन लिखा हो तो दशमलव में इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हो। इस टाइप का एक क्वेश्चन आ सकता है। और मैंने बताया लंबाइयों, उनकी वजन का, लंबाई का, कई चीजों का पूछा जा सकता है, इस टाइप का हो गया। आयु का, अब देखिए क्वेश्चन कैसा आता है कि जैसे लिखा है 40 संख्याओं का औसत 22 है। प्रथम 20, संख्याओं का औसत 24 तथा अंतिम 21 संख्याओं का औसत 23 है। 20वीं संख्या बताओ, 20वीं संख्या बताओ। देखिए यहां पर 40 संख्या है और इनका औसत दिया, संख्याएं दी, औसत दिया, तो पहले हम उनका योग पता करते हैं। 40 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा हमारा, 40 × 22 = 880, ये हो गया 40 संख्याएं। अब यहां पर क्या आया कि प्रथम 20 संख्याओं का औसत 24 और अंतिम 21 का। अब यहां पर अगर हम संख्याएं देखें तो 20 और 21 कितनी हो गई 41, जबकि टोटल संख्याएं कितनी है 40, मतलब एक संख्या इसमें दो बार काउंट हो रही है, तो वो कैसे पता करेंगे। तो पहले 20 का दिया है 24, तो 20 × हमने 24 कर लिया, ये आ गया 480। अंतिम 21 का दिया है 23, तो इसका मल्टीप्लाई किया 253 आ गया, सॉरी 483 आ गया, ये आ गया। अब ये जो 20 और 21 है इनका टोटल कर ले हम तो ये आ जाएगा 963, 480 और 483 जोड़ लिया 963। अब ये कितनी संख्या हो गई इसमें 21, और है टोटल कितनी 41 हो गई, ये 41 का योग है, 41 संख्याओं का ये योग हो गया, और है कितनी 40, तो
तो जो एक संख्या इसमें एक्स्ट्रा आ गई है उसी की जितनी वैल्यू है उतना ही इससे अधिक हो रहा है। तो आपको करना क्या है, जो 20वीं संख्या आपको पता करनी है, 20वीं संख्या क्या होगी आपकी, तो 963 माइनस 880 इसको घटा दीजिए, क्या आ गया 83। तो जो 20वीं संख्या होगी हमारी क्या हो जाएगी, वो 83 होगी। क्वेश्चन क्या दिया गया, इसमें 40 से क्या हो सकता, 20 दे दिया जाए, 20 संख्याओं का औसत दिया गया, पहली 10 बोल दिया गया, आखिरी 11 बोल दिया गया, या संख्याएं बोल दी गई 9, पहली 5 का औसत बोल दिया गया, फिर अंतिम 5 का औसत बोल दिया गया। तो और संख्याएं थी 9, पहली 5 और आखिरी की 5, 10 हो गई। इसी तरह से करना है। अब यहाँ पर कितनी है 40, यहाँ पर कितनी हो गई 41। और वैसे अगर इसमें पहली 20 और आखिरी 21 को करना पड़ा, अगर ऐसे ही क्वेश्चन होता कि अगर दिया होता यहाँ पर मान लीजिए 41 दिया होता कि 41 संख्याओं का औसत दिया होता, बोलता पहले 21 और बाद की 21 तो 42 हो जाती है। तो पैटर्न यही रहता है कि पहले जितनी संख्याओं का औसत दिया उनका हमने योग पता कर लिया गुणा करके, फिर जितनी जितनी संख्याएं दी हैं उनका योग करके जोड़ लिया, और जो बाद का टोटल आया उससे पहले वाले टोटल को माइनस कर देंगे। तो जो संख्या रिपीट हो रही है, दो बार प्रयोग की जा रही है, वो हमें आसानी से मिल जाएगी। अब इसके बाद देखिए और कैसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कभी कभी भूल बस कुछ संख्या टूट जाती है और उसको कोई लिख लेता है। जैसे मान लीजिए ऐसा दे दिया गया 17, 23, 41, 27, 26 का औसत, इनको हम जोड़े 26, 27, 53, 96, 127, 150, 17, 167 और संख्याएं कितनी हो गई हमारी 7, 17, 23, 40, 71, 114, 141, 167 और संख्याएं हो गई है 6 है, 7 नहीं है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 32 का औसत बोल दिया गया 28 है, और उसने क्या किया, जो भी छात्र ने भूलवश तैतालीस को 34 पढ़ लिया तो नए औसत में क्या कमी या अधिकता हो जाएगी या बढ़ोतरी हो जाएगी, ये क्वेश्चन आ गया। या इसमें हो सकता है औसत ना दिया, बस इतना ही बोल देंगे कि इसको औसत निकालना था, मैंने यहाँ पर औसत दे दिया है। हो सकता है क्वेश्चन में औसत ना दिया जाए, बोला गया कि इन संख्याओं का औसत निकालने को किसी छात्र को परीक्षार्थी को दिया गया था, लेकिन जब उसने कैलकुलेट करना शुरू किया तो गलती से त्रुटिवश भूलवश किसी संख्या को उल्टा पढ़ लिया, 24 को 42 पढ़ लिया या 25 को 52 पढ़ लिया, ऐसा हो जाता है, 17 को 71 पढ़ लिया, तो जो उसका एवरेज आएगा वो वास्तविक एवरेज से या औसत से कितना कम या अधिक होगा। तो सीधी सी बात है, जैसे इसने क्या किया 43 के स्थान पर क्या पढ़ लिया 34, यानी इसने कम नंबर लिया है, और जब कम लिया है तो औसत घट जाएगा। अब कितना घट जाएगा वो निकालना है,
लिया कितना था इसने, लेना था 43 और ले कितना लिया 34, तो आपको 43 माइनस 34 कर देना है। और संख्या है कितनी, 6, तो इसको 6 से भाग कर देना, 43 माइनस 34 करेंगे 9, और 9 बटे 6 कितना आ गया 1.5। अगर ये हमारा 28 औसत दिया है तो इसमें 1.5 आप माइनस कर लो, 26.5 नया औसत होगा। अगर केवल पूछ रहा है कि कमी कितनी हो जाएगी तो 1.5 की हो जाएगी, नया औसत कितना हो जाएगा 26.5 का हो जाएगा। अगर ये ना दिया होता, ठीक है, औसत दिया नहीं गया होता, कि ये बोला जाता है कि किसी चार से इन संख्याओं का औसत निकालने को बोला गया, लेकिन त्रुटवश या भूलवश उसने 43 की जगह पर 34 लिख लिया या ले लिया, तो उसके औसत में कितने की कमी आएगी, कम लिया है तो कमी आएगी कितनी आएगी ये आपको बताया गया, 43 जगह पर 34 लिया, घटा के संख्याएं जितनी है उससे आपने भाग करना है, औसत यही तरीका ही होता है। तो जो कि कम नंबर लिया तो 1.5 ही कमी हो जाएगी। अगर बोल दे कि ज्यादा ले लिया, तो ज्यादा ले लिया तो बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा इसी तरह से निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 17 था और 17 की जगह 71 ले लेता, ये 17 लिखा था और बोल देते हैं कि 17 की जगह उसने 71 ले लिया, 71 माइनस 17 कर लीजिए और बटे में 6 करेंगे, क्योंकि नंबर 6 लिए है उसने, एक संख्या को उल्टे लिख लिया या गलती से एक का कुछ लिख लिया जो दी थी उन्होंने, लेके कोई नंबर दूसरा लिख लिया, इनको जब घटाएंगे 54/6 तो ये 9 आ गया। अब इसने छोटी नंबर की जगह बड़ा नंबर ले लिया तो उसका औसत 9 पहले से बढ़ जाएगा, इतनी वृद्धि हो जाएगी, 9 की वृद्धि हो जाएगी, औसत दिया है तो उसमें आप 9 प्लस कर देते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पेपर में। अब देखते हैं नए टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं आपके। हाँ, ये क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि जैसे कोई नंबर बोल दिया गया, एक मिसिंग नंबर कर दिया गया, उसको पता करना है। जैसे ऐसा क्वेश्चन आ गया, 5 10 विषम संख्याओं का औसत 55 है, तो सबसे बड़ी वा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। अंतर पता करना है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया है और उसमें समय पता क्या है, उनका औसत दिया है 55, और ये पूछा गया कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का हमारा जो होगा औसत क्या होगा, ये आपको पता करना। तो जैसे कि ये देखिए, ध्यान रखिए, 55 औसत दिया और किन संख्याओं का, विषम का, तो मैंने बताया कि जैसे 5 विषम संख्याएं हैं उनका औसत दिया है, तो ये बीच वाली संख्या है आपकी, ये 55 औसत दिया है आपका, और संख्याएं कितनी है 5, यानी 2 इसके ठीक पहले की विषम संख्याएं होगी और 2 इसके ठीक बाद की विषम संख्याएं होंगी, तभी इसका औसत 55 आएगा। तो इसके पहले क्या हो गई, विषम 53, इसके पहले ठीक पहले 54 आती है, लेकिन 54 नहीं लेनी है क्योंकि वो सम संख्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है विषम संख्या, और यहाँ पर क्या आएगा, इसके 53 के पहले 51, और यहाँ पर बाद की लेनी बड़ी यानी 57, और उसके बाद की 59, ये 5 संख्याएं हो गई। अब इनका अगर आप औसत निकालोगे तो 55 ही आएगा, और यही क्वेश्चन में दिया है,
तो अब क्या करना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर, इनका माइनस 59 से 51 को हमें माइनस करना है, औसत क्या आ जाएगा, ए सॉरी अंतर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ये करना। अच्छा और ये कर सकते हैं, जैसे कि सम संख्या हो या विषम संख्या हो, क्रमागत अगर है तो उनमें 2 का अंतर आता है। जैसे आप विषम देखते हो 1, 3, 5, 7, 9, हर एक में 2 2 का, या तो बढ़ती जाएंगी या घटती जाएंगी। और अगर सम है 2, 4, 6, 8, तो सीधे क्रम से देखेंगे आरोही क्रम में तो बढ़ रही है, और वही क्रम से अगर देखें तो 2 घट रही है, लेकिन अंतर 2 ही का होता है। अब जैसे 5 संख्या थी, एक तो औसत निकल जाती, बची कितनी, 4, तो औसत 2 का है, 4 गुणा 2 कर लें। ऐसे ध्यान रखें जितनी भी क्रमागत संख्याएं दी हैं, 5 दी हैं तो 5 माइनस 1 गुणा 2, 2 क्यों, विषम संख्याएं हो या क्रमागत सम संख्याएं हो क्रमागत, उनके बीच में औसत अंतर 2 होता है, तो उससे 2 से गुणा कर लेंगे तो अंतर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। अब इसके बाद और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन ऐसे बताना है, जैसे ऐसा संख्या कहीं दी है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर का औसत है, का औसत स्क्वायर में नंबर दे दिएगा। अभी तक आपको क्रमागत संख्याओं का, सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का, सारी क्रमागत संख्याओं का बताया गया था। अब इसी वर्ग के रूप में अगर दे दी गई, यह संख्या है कितनी, 1 से लेकर 8 तक, यानी n आपका कितना हो गया, 8। इनका जब हम औसत निकालते हैं तो उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है, ट्रिक होती है, n n+1 2n+1/6, ये याद रख लें आप। इससे आपका ऐसे क्रमागत जो वर्ग संख्या दी उनका औसत निकल आता है। n की जगह 8 लिखना है, 8, और ये 8+1 कितना हो गया, 9, और ये 2n+1 तो ये 16 1 17, बटन कितना करना है, 6 2 3 6 2 4 3 3 9, हमारा नंबर बचा क्या, 4 गुणा 3 गुणा 17, 4 गुणा 3 12 गुणा 17 204, इनका औसत जो आया वो हमारा कितना आ गया, 204 या 204 औसत आ गया। जब भी ऐसी वर्ग संख्या दी गई हो इस तरह से आप इनका आंसर निकाल सकते हो, आसान सा तरीका होता है। अब देखिए, अब इसमें जो विगत वर्षों में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं कुछ वो देख लेते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाए। बहुत ज्यादा पुलिस भर्ती में बहुत ज्यादा मैंने बताया कि डीप में नहीं जाना होता है। अच्छा जैसे कि प्रश्न आया, मान लीजिए ऐसे दे दिया गया कि बी तथा 4B का औसत 10 है, तो B का मान बताओ, तो B का मान बताना, B और 4B कितने नंबर हो गए, 2। औसत, औसत क्या होता है हमारा, दोनों नंबर का, दो नंबर है अगर तो दोनों का योग करके बटे 2 कर दें, बराबर हमारा औसत आ जाता है, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2 बराबर 10। अच्छा बटे 2 क्यों किया, क्योंकि संख्याएं 2 ही है, औसत का क्योंकि बेसिक फार्मूला यही होता है, जितने नंबर या जितने संख्याएं दी हैं उनका योग बटे
कुल संख्या है, ये औसतता होता है फॉर्मूला ही। तो इनका हम जब प्लस करेंगे 5b हो जाएगा बटे 2 बराबर 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5b बराबर 20, b कितना आ गया 4। इस टाइप के आपके बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे बोल दिया गया एक क्वेश्चन इस टाइप का 18, 27 और एक क्वेश्चन ऐसा आया 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है, तो तीसरी संख्या पता करो, तीसरी संख्या है ये जो मैंने तीसरी संख्या है, हो सकता है यहाँ पर एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं कि तीसरी संख्या एक्स है, कुछ भी आ सकता है ऐसे क्वेश्चन में। तो आपको करना क्या होता है, बताया गया है कि जितने नंबर है उनको प्लस करना है, तीसरी संख्या हमने मान लिया एक्स है हमारी, तो 18 + 27 + x बटे 3। पिछले क्वेश्चन में 2 किया था बटे में, क्योंकि वहां पर 2 संख्याएं थी, यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, तो बटे में कितना करेंगे 3। औसत कितना दिया गया 30, इनको आप जोड़ लीजिए, ये 2 तो जुड़ जाएंगे, ये आपका x है, इसको आप प्लस माइनस नहीं कर सकते हो किसी नंबर के साथ, वेरिएबल के साथ। तो 18 ये वेरिएबल होता है, ये चेंज हो सकती है इसकी वैल्यू, नॉन वेरिएबल नंबर ये हो गया 45 और ये x बराबर 30 × 3, क्योंकि ये 3 का इससे गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 45 + x = 90, x बराबर आ जाएगा 90 - 45, x की वैल्यू कितनी हो गई है माइनस किया 45। तो जो तीसरी संख्या थी, तीसरी संख्या हो सकता है या कोई अल्फाबेट दे सकते हैं, उसका मान आप ऐसे पता कर सकते हो। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन दे दें, बहुत पूछा जाता है। जैसे 11 पारियों का किसी का औसत है, अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अपनी अगली पारी में कितने रन बढ़ाने की जरूरत होगी। जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा है, किसी खिलाड़ी का है, किसी क्रिकेट खिलाड़ी या खिलाड़ी की, मान लीजिए ऐसे 12 लिखते हैं, 12 पारियों की औसत रन संख्या कितन है, औसत रन संख्या में, औसत रन संख्या में एक की वृद्धि करने के लिए, एक की वृद्धि करने के लिए उसे 12वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे, कितने रन
बनाने चाहिए या बनाने पड़ेंगे, ये है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर कुछ भी दिया हो सकता है, गाड़ी का नाम दिया हो सकता है, पानी कितनी दी है 12, औसत अंक कितना है 13, 12 पारियों का औसत संख्या है 13, 53। अब अगर इसको हमें टोटल रन पता करने हैं तो आप अगर वो वैसे निकालो तो 12 × 53 करना पड़ेगा, और बढ़ाना कितना है 1, औसत रन संख्या 1 बढ़ानी हो सकती, 2 हो सकती, 3 हो सकती, 1.5 हो सकती। तो आपको करना क्या है, अगली बारी में या 12वीं, ये 13वीं बारी हो जाएगा, 12 पारी की तो औसत रन संख्या थी, 13वीं पारी में उसे या अगली पारी में, 13वीं पारी या इसको हम क्या बोल सकते हैं, अगली पारी में, ठीक है, कितने रन बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक, तो 12 का औसत तो इतना हो गया, अब 1 अगर हम बढ़ा देंगे तो औसत हमारा कितना हो जाएगा, तो देखिए पारी हमारी कितनी हो जाएगी 13, और औसत 1 बढ़ जाएगा, औसत 1 बढ़ जाएगा तो 13 का गुणा 1 से कर ले कितना हो गया 13, और जो ये पहले से औसत दिया था आपको इसमें प्लस कर दो कितना हो गया 66। समझ में आया, जैसे 12 पारियां थी, औसत रन कितने थे 53 रन पर पारी, अगली पारी में या 13वीं पारी में वो कितने रन बनाए कि उसका औसत 1 बढ़ जाए, 1 बढ़ जाए तो पारी अब कितनी हो गई है, कौन सी बारहवीं है 13वीं, 13 में 1 से गुणा कर दिया और जो पहले का औसत था उसमें प्लस कर दिया, तो जो आएगी संख्या प्लस करने के बाद वो 13वीं पारी या अगली पारी में उसे उतने ही रन बनाने की आवश्यकता होगी। अब इसको अगर आप पूरा वैसे कर लें तो जैसे आप ऐसे कर सकते हो, पहले 53 औसत था गुणा 12 करोगे, 12 × 5 = 60 यानी 636, औसत 1 बढ़ाना है तो कितना हो गया 54, पारी अगली है 13 तो 13 × 52 और 13 × 65 = 71 712, ठीक है, 13 × 52 = 702। अब इससे इसको आप घटा दोगे तो भी 66 आ जाएगा, लेकिन ये एक जटिल प्रक्रिया है, समय बर्बाद होगा, आप बस ये क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व कर लें। जहाँ बताया गया तो 12 पारियों का औसत ये दिया है, अगली पारी या 13वीं पारी में कितने रन बढ़ाए ये औसत में 1 की वृद्धि हो जाए, क्वेश्चन में 1, 2, 12, 13 या 53 से मतलब नहीं है, क्वेश्चन पैटर्न देखो, इसी टाइप का जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिर्फ आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है, अगली पारी कौन सी है, औसत कितना पड़ रहा है, उन दोनों का गुणा करके जो पहले से औसत दिया है उसमें प्लस करना है। अब इसके बाद और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तो केवल क्रिकेट का एक पहला क्वेश्चन आया, इसमें बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं, और उसके पूरा करने के लिए दूसरे वीडियो में, औसत के दूसरे वीडियो में और जो छूटे हुए टाइप के क्वेश्चन हैं वो कराए जाएंगे, तब तक औसत का ये बेसिक वीडियो आप देखें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनुटोन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, देखें, निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक होगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।